हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले स्वादिष्ट शक्करपारे की रेसिपी। इसको हम बिना चाशनी के बिल्कुल आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम यहाँ लेंगे सूजी। तो सूजी मैंने एक कटोरी लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा मिक्सी में चला के पीस के ले लिया है। और अब इसी के साथ हम यहाँ डालेंगे दो कटोरी मैदा। तो मैं उसी कटोरी से माप के मैदा ले रही हूँ। आप मैदे की जगह गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दो कटोरी मैदा लिया है और एक कटोरी मैंने सूजी लिया था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ डेढ़ कटोरी लिया है चीनी। चीनी को भी मैंने मिक्सी में पीस के ले लिया है। तो चीनी है वो मैं यहाँ डेढ़ कटोरी डाल रही हूँ। जितना मैंने सूजी और मैदा लिया था तो उसी का आधा मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ। परफेक्ट मीठा होगा। तो अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सूजी और मैदे को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और बीच में इस तरीके से एक गड्ढा जैसा बना देंगे। इसमें हम घी डालेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है आधा कटोरी जितना घी। आप घी की जगह रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आधा कटोरी घी लिया था, उसमें से मैंने दो चम्मच जितना बचा लिया है। तो अब हम इसी के साथ डाल देंगे तीन से चार कूटा हुआ इलायची और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से हमारे शक्करपारे है वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। तो घी डाल के हम इसको अच्छे से हाथों से मसलते हुए अच्छे से मैदे और सूजी के साथ मिक्स करेंगे। तो मैंने इस तरीके से हाथों से मसलते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका इस तरीके का मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो इसका मुट्ठी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो मोइन है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है नॉर्मल पानी, न मैंने ज़्यादा ठंडा लिया है और न गर्म लिया है, नॉर्मल पानी लिया है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक टाइट आटा लगा के तैयार करेंगे। तो पानी को एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चीनी डाला है तो वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके का टाइट आटा लगा के तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसको छोड़ेंगे रेस्ट के लिए। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन। ढक्कन लगा के हम इसको 10 से 12 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ आटे को रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गया है और उसके बाद हम इसका ढक्कन हटा के इसको दोबारा से थोड़ा सा और गूंद लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, पहले से हमारा आटा है वो टाइट हो गया है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा टाइट हो गया है तो थोड़ा सा हाथ गीला करके इस आटे को मसल के दोबारा गूंद लीजिए। तो ये आटा है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा और गूंद लिया है और ये बिल्कुल इस तरीके का ये आटा है वो लग के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसका रोटी बेलेंगे। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक बड़ा सा लोई। तो इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं बन रहा है, इस तरीके का मैंने आटा लगा के तैयार किया है। तो मैंने ये लोई बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसका रोटी बेलेंगे। रोटी है वो थोड़ा सा मोटा बेलना है। हम इसके शक्करपारे बनाएंगे वो थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। तो इसका थिकनेस है वो थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो मैंने इसका रोटी बेल लिया है। अब हम लेंगे इस तरीके का कोई गिलास या आप कोई भी कटोरी या आपके पास कुकिंग कटर है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम इसका गोल गोल शक्करपारा है वो काट के तैयार कर लेंगे। तो मैं इसके शक्करपारे है वो गोल शेप में काट रही हूँ। आप अपनी मनचाही कोई भी शेप है वो इसमें दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसका गोल शेप में ये शक्करपारे है वो काट के तैयार कर लिए। अब जो साइड का आटा है वो हटा के हम उसी आटे में मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इतना मोटा इसका थिकनेस रखा है। तो अब हम लेंगे ये इस तरीके का चम्मच और इससे इसमें इस तरीके से छेद कर देंगे जिससे हमारे शक्करपारे है वो तेल में जाएंगे तो फूलेंगे नहीं और अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। आप कोई भी टूथपिक या किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से ये छेद कर दीजिए। तो मैंने इस तरीके से सभी शक्करपारे में ये छेद है वो करके ले लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये शक्करपारे है वो नीचे में नहीं चिपक रहे हैं। अगर आपको लगे कि हम बेल रहे हैं उस टाइम बेलन या नीचे में
ये शक्करपारे है वो चिपक रही है, तो आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए बेलन में और सरफेस पे और फिर बेल लीजिए। बहुत ही आसानी से ये शक्करपारे है वो बेल जाएंगे। तो मैंने इसी प्रकार सभी शक्करपारे है वो तैयार करके ले लिए है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल है वो हमारा गर्म हो गया है, इसमें से अच्छी हीट आ रही है। तो एक शक्करपारा है वो हम डाल के देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बस इस तरीके का ये ऑयल है वो गर्म होना चाहिए। तो अब हम डाल देंगे इसमें हमारे बाकी बचे हुए शक्करपारे। ऑयल है वो बस इतना गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शक्करपारे है वो तैर के ऊपर आने लगे हैं। उस टाइम में इसको चम्मच से पलट रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं तेल में जाने के बाद, तो आप इसको हल्के हाथ से पलटिएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो अब हम इसको इसी तरीके से उल्ट पलट करते हुए दोनों साइड से अच्छे से इस तरीके का कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शक्करपारे है वो हमारे बनके अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो अभी ये जो शक्करपारे है वो बहुत सॉफ्ट है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत सॉफ्ट हो गया है, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और इसी प्रकार हम सभी शक्करपारे है उनको फ्राई करके ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे हमारे शक्करपारे का कलर आया है और बहुत ही टेस्टी ये शक्करपारा है वो बन के तैयार होता है। आप एक बार इस शक्करपारे की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सभी शक्करपारे है वो बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे ये शक्करपारे है वो बन के तैयार हुए हैं। तो आप इस शक्करपारे को 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। और कुछ शक्करपारे में मैंने कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन दिया है, आप इसमें कोई भी डिज़ाइन जो आपका मन चाहे वो डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं। और बहुत ही खस्ता और टेस्टी हमारा शक्करपारा है वो बनके रेडी हो गया है। ये शक्करपारे है वो आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप एक बार इस तरीके से ये शक्करपारे की रेसिपी है वो बना के ज़रूर ट्राई करें, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।